वेलकम बैक टू U3C लर्निंग प्रोग्राम। विद्यार्थियों, आज हम आपको ग्लम्पसेज ऑफ इंडिया में सेकंड पार्ट प्रूफ, जिसके लेखक लोकेश एब्रोल है, हम ग्लम्पसेज ऑफ इंडिया की समरी आपको पढ़ाने जा रहे हैं और आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आएगी। कुरुक इज ए स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुरुक कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। इट इज नोन एज कोडागु आल्सो, इसे कोडागु के नाम से भी जाना जाता है। कुरुक लाइज बिटवीन द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर एंड मैसूर। कुरुक मैंगलोर और मैसूर के बीच स्थित एक छोटा सा कस्बा है। इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यह बहुत सुंदर स्थान है। द राइटर सेज दैट, लेखक कहता है, इट मस्ट हैव कम फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड। लेखक कहता है कि लगता है कि यह भगवान के राज्य से आया हुआ कस्बा है। इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, यह कर्नाटक का एक छोटा सा जिला है। कुरुक इज फेमस फॉर इट्स कॉफी प्लांटेशंस। कुरुक प्रसिद्ध है अपने कॉफी बगानों के लिए। एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, सुंदर वनों के लिए। एंड स्पाइसेस, और मसालों के लिए। यानी के कुरुक जो स्थान है वो अपने कॉफी बागानों के लिए, सदाबहार जंगलों के लिए और मसालों के लिए प्रसिद्ध है। 30% ऑफ इट्स एरिया इज कवर्ड विद द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। इस इलाके का 30% इलाका सुंदर जंगलों से भरा हुआ है। द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस पैलेस इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च। द बेस्ट सीजन टू विजिट दिस प्लेस इज फ्रॉम सितंबर टू मार्च। इस सीजन में यानी कि यहां आने का सबसे अच्छा सीजन, सबसे अच्छा मौसम सितंबर से मार्च के बीच का होता है। द वेदर इज परफेक्ट, मौसम इसके लिए अच्छा होता है। कब? सितंबर से और मार्च तक। द एयर इज फुल ऑफ कॉफी फ्लेवर, हवा कॉफी की सुगंध से महकती रहती है। देयर आर ब्यूटिफुल कॉलोनियल बैंगलोर्स इन प्राइम कॉर्नर्स, यहां पर सुंदर भवन, सुंदर इमारत, सुंदर बैंगलोर्स हैं अंग्रेजों के जमाने के। यहां पर अंग्रेजों के जमाने के सुंदर बैंगलोर्स हैं। तो बच्चों, आज हमने आपको ग्लम्पसेज ऑफ इंडिया में पार्ट सेकंड में कुरुक, जो कि लोकेश एब्रोल द्वारा लिखित है, यह लेसन हमने आपको पढ़ाया। और मैं आशा करता हूं कि आपको आज हमारा ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप इसके बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, हम आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे। धन्यवाद।